चलो दोस्तों, आज मैं आपको फ्रीडम स्ट्रगल मेमोरियल में लेके चलती हूँ, जो कि करतारपुर और अमृतसर के रास्ते में है। पूरी पंजाब की हिस्ट्री इस म्यूज़ियम में बताई गई है, जो कि बहुत ही प्यारा बनाया गया है। एंड ये मेन गेट है जहाँ से हमने एंट्री ली, और आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में पूरा पार्किंग का एरिया बनाया है एंड लेफ्ट हैंड साइड में पूरा म्यूज़ियम बनाया है, जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। दूर से देखने में ऐसे लग रहा था जैसे दिल्ली का लोटस टेम्पल में हम आए हों। और काफ़ी शांत पीसफुल वातावरण था यहाँ का, पूरा अंदर से एयर कंडीशनर था और बहुत ही प्यारा है। आप देख सकते हैं पार्किंग जोन भी बहुत अच्छा है, एंड दूर से देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। एंड मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि यहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं थी। वीडियोग्राफी के लिए हमको और फोटोग्राफी के लिए हमको क्लियरली मना कर दिया गया था, फिर भी मैंने रिस्क लेके थोड़ी बहुत जितना मैं वीडियो बना सकती थी मैंने वीडियो बनाई, ताकि जो लोग वहाँ जाकर नहीं देख सकते हैं एटलीस्ट वो घर बैठे बैठे देख सकते हैं। 100 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पर एंट्री टिकट थी और वर्थ इट था। 100 रुपीज़ में आपको पूरी पंजाब की हिस्ट्री बताई गई थी कि किस तरीके से हमारे पंजाब ने हमारी हिस्ट्री में पार्टिसिपेट किया, और स्कूल गोइंग किड्स के लिए ये म्यूज़ियम परफेक्ट है, जहाँ पे उनको जिस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है वो इतना अच्छा प्रेजेंट किया गया है कि बच्चे फटाफट सीखेंगे। एंड टोटल 6 गैलरीज थी और बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही प्यारा तरीके से इसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ चल के कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले जो नंबर 1 गैलरी थी उसके अंदर पूरा एक डोम बना हुआ था, और उस डोम में सबसे पहले एक वीडियो प्ले की गई जिसमें पूरी हिस्ट्री बताई। वाव, और जो भी उस मूवी में दिखाया पूरी हिस्ट्री, वो हिस्ट्री को इन लोगों ने पूरा अलग अलग मॉडल्स बना के अलग अलग गैलरीज में डिस्प्ले किया है, ताकि वो अच्छे से रिवाइज हो जाए, और बहुत ही खूबसूरती से उसको बनाया है। तो आप देखिए कितना प्यारा इन लोगों ने बनाया है और उसको 3D फॉर्म में पूरा अच्छे से सजाया है। और सेंटर में ये बहुत बड़ा डोम था, इस डोम के अंदर भी एक गैलरी थी जो मैं आपके साथ सबसे लास्ट में शेयर करूंगी। We'll be right back.
हर एक गैलरी में जो भी इन्होंने डिस्प्ले किया था उस डिस्प्ले से रिलेटेड ऑडियो टेप्स लगी हुई थी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में थी। अगर उस सीन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑडियो टेप प्ले करेंगे तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। ऑडियो टेप के साथ साथ वीडियो क्लिप्स भी साथ में लगी हुई थी उस सीन से रिलेटेड, जो आप चाहें तो प्ले करके देख सकते हैं। काश इसके अंदर भी कोई अच्छा सा सरदार मिल जाए जो शूट करने दे, नहीं तो और इस गैलरी के अंदर पूरा जलियांवाला बाग का सीन बताया है। जो भी इंसिडेंट जलियांवाला बाग में हुआ, तब लोग क्या करा था, कैसे हुआ था, वो पूरा इन लोगों ने मॉडल बनाया है। कहाँ लिखा है? इधर है दीवारे चढ़ के फान के गिर रहे हैं। जब उसने किया होगा एकदम सीधे मारा होगा। और इस सीन में जब भगत सिंह को फांसी दी उसके बारे में बताया है।
एंड देन जो सेंटर में बड़ा सा डोम था, अब हम उस डोम में जा रहे हैं जहाँ पर आपको पूरा उन्होंने बताया है कि किस तरीके से लोग के ऊपर अत्याचार हुए जब वो लोग पकड़े गए, पूरा उन्होंने मॉडल बनाया है और पीछे वीडियो डिस्प्ले करी है। लिटरली इस वीडियो को देख के रोंगटे खड़े हो गए थे कि हमारे पंजाब ने इस देश के लिए कितना बलिदान किया है। और यहाँ पर उन सब शहीदों के नाम हैं जिनको अंडमान निकोबार में कैद कर लिया गया था। और इस गैलरी में पूरा 3D फॉर्म में बताया गया कि किस तरीके से जलियांवाला बाग में वो इंसिडेंट हुआ। बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम था और म्यूज़ियम के अंदर कैफ़े भी था और कैफ़े भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था, नीट एंड क्लीन था, चीज़ों के जो प्राइस थे वो भी रीज़नेबल थे। सो आप आराम से वहाँ पर पूरा दिन, अप्रॉक्सीमेटली आप पूरा दिन वहाँ पर स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ एंड आप वहाँ पर बैठ के चिल भी कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक माय वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। और इस तरीके से मैं जब कभी भी कहीं घूमने जाऊंगी आपके साथ मेरे आइडियाज़, मेरी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।